A very kind request to you, please subscribe the channel and hit the bell icon for further updates. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू क्रैक द नीट एग्जाम वन वीक में. मतलब लास्ट का जो वन वीक है आपके पास, मे बी 5 डेज 6 डेज में, क्या क्या आपको टॉपिक्स कैसे कवर करने हैं, चैप्टर का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, कौन सा ऐसा टॉपिक है, ग्राफिकल प्रॉब्लम कहाँ से आते हैं, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम कहाँ से आते हैं, बींग बायोलॉजिकल स्टूडेंट सम स्टूडेंट्स का न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है, तो कौन से ऐसे चैप्टर्स को आपको फोकस करना है सो दैट यू नो यू कैन स्कोर अच्छा से अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सको. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये टॉपिक वाइज जाना पड़ेगा, वीडियोज को पूरा देखना पड़ेगा और डेफिनेटली आपको ये हेल्पफुल होगा, इसका मैं आपको एश्योर करता हूँ. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, ठीक है. तो सबसे पहले लेते हैं चैप्टर वाइज, लाइक मैं ले लेता हूँ फिजिक्स को. तो देखिए फिजिक्स में आपको सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको करना है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने हैं रिलेटेड टू मॉडर्न फिजिक्स. क्यों करना है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स से? बिकॉज ये जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी ईजी होते हैं एंड हैविंग वेरी लेस कैलकुलेशन. सो आपको कैलकुलेशन के जो टाइम है वो फिजिक्स के बचाने हैं. जितने भी है 45 क्वेश्चंस, वो आपको अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट करने के लिए मॉडर्न फिजिक्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे. अराउंड 3-4 चैप्टर से एटम निकले, ये सब बाइनिंग एनर्जी सब अच्छे से करके जाइए, ठीक है. सो आपको मैं एम्फेसाइज करूंगा कि इस चीज़ को मॉडर्न फिजिक्स पर फोकस करें, काफ़ी ईजी क्वेश्चन आते हैं. सो गाइज, अगर ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है 1-2 साल तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपकी जगह पर रहता अगर मैंने मॉडर्न फिजिक्स को ज़्यादा टच नहीं किया है तो मैं क्या करता अभी आज के डेट में, मैं चुपचाप से बींग अ बायोलॉजिकल स्टूडेंट सारे फॉर्मूले को मैं पहले लिख लेता मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी है, ठीक है. जितने भी फॉर्मूले हैं काफ़ी इजी फॉर्मूले से एनर्जी का निकालना है, SC/λ है ना, तो ये सब आप अपने से लिख लो कि जो भी है एक सीट में पूरा भर लिया लिख के. और सबसे अच्छा क्या है इस चैप्टर का, इस यूनिट्स का क्या बोल सकते हो आपकी, आपको ये फॉर्मूला पुटिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाना इसमें नहीं पड़ता है, ठीक है. अगर सेम वे अगर बात करेंगे नेक्स्ट कि सर ये मॉडर्न फिजिक्स का, तो आपको ऑन एन एवरेज समझ में आ गया कि आपको फॉर्मूला लिख लेना है पूरा अच्छे से, उस पर फॉर्मूला पुटिंग प्रॉब्लम कर लेना है और थ्योरी आपको गो थ्रू करना है सो डैट आपको कम टाइम में अच्छे से अच्छे हो जाए, ठीक है. ये होने के बाद मैं नेक्स्ट आपको सजेस्ट करूँगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक का. मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आते हैं, PY ग्राफ और प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. प्रिंसिपल जितने भी है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जितने भी आपको अच्छे से रट के जाने हैं, ठीक है. P1V1 = P2V2, तो काफ़ी ईजी प्रॉब्लम्स आते हैं. प्रेशर वन दिया रहेगा, वॉल्यूम वन दिया रहेगा, ठीक है. और ऑब्वियसली इस टाइम पे आपको ये ग्राफिकल प्रॉब्लम PY ग्राफ ये सब देख के जानने हैं. जितने भी ग्राफ है उसको छोड़िए मत, देखिए, क्योंकि इस टाइप से प्रॉब्लम आएंगे आपको कि ये कहाँ पे ये लार्जर होगा, ये ग्रेटर होगा, इस टाइप के प्रॉब्लम आपको आएंगे. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है. ये होने के बाद थर्ड पॉइंट जो है फिजिक्स का, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फर्स्ट सॉल्व डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ एनी टॉपिक. ये जब हो जाए तो आपको क्या करना है कि सॉल्व करना है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी चैप्टर वाइज, क्योंकि वो मैंने आपको बोला ना कि फिजिक्स से दे विल नॉट एक्सपेक्ट यू कि आपको ज़्यादा कुछ आए, बिकॉज आपको मेडिकल में जाना है. तो फिजिक्स से आपको क्या करेंगे, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, और थोड़ा थ्योरेटिकल. सो आपको ऑन एन एवरेज अगर फॉर्मूला भी पता है तो वो आपके लिए मोर देन एनफ है, ठीक है. लास्ट बात कर लेते हैं, इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन इज लेंदी कैलकुलेशन, जिसमें ज़्यादा लेंदी है, देन फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व थ्रू अप्रोक्सीमेशन एज पर द ऑप्शन. मतलब पूरा सॉल्व करते हुए मत जाओ, आप जस्ट क्या करो कि ऑप्शन से जाओ और उसे अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है. चलिए अब कर लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में बात. केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से. तो फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे स्टार्ट करना है, देखिए क्या करना है आपको, यू हैव टू ट्राई टू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, कि फिजिकल केमिस्ट्री आउट ऑफ 3 पूरा न्यूमेरिकल वाला है. तो वन सेकेंड सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है कि यू हैव टू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन. उसके लिए आपको क्या करना है, CNCERT एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पल्स क्वेश्चन जितने भी है NCERT के वो क्वेश्चंस देखे, उसके एग्जाम्पल्स के फॉर्मूला जितने भी रट ले और प्रोसेस देख ले, क्योंकि NCERT से बाहर इससे नहीं आएगा और ये न्यूमेरिकल उतना टाइम भी नहीं है अभी आपको ये वन वीक में करने के लिए, ठीक है. तो प्लीज़ ये फोकस करें. अब बात आपको पूछो कि सर 11th पे फोकस ज़्यादा करो या 12th पे, तो आई विल सजेस्ट कि आपको मोर एम्फेसाइज किस पे फोकस करना है, 12th के टॉपिक पे करना है. और ऑब्वियसली जब आपने बोर्ड इस साल दिया है, बोर्ड कोई भी हो, CBSE हो, स्टेट बोर्ड हो, तो डेफिनेटली आपका 12th ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा. तो फिर 11th को पढ़ने के चक्कर में आप 12th का जो है टॉपिक्स उसको आप वीक मत करो, ठीक है. नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक का. तो इनऑर्गेनिक में आपको जो एम्फेसाइज करना है, फोकस करना है, वो केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये दोनों ही चैप्टर काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कंटेन करते हैं, तो आपको इसमें करना है. उसके लिए अभी कम समय में आपको क्या करना है, NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करके जाने हैं,
प्रीवियस ईयर के AIPMT ये सब जितने भी है, या नीट के एग्जाम 2-4 साल से चालू है तो वो पकड़ के चाहिए, ठीक है, जितने भी है एम्स के क्वेश्चन उठा लिए, उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाएँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे कॉमन चीज़ है, आपको नेम ऑफ रिएक्शन रटना है, सारे रिएक्शंस के नेम रटने पड़ेंगे। उसके लिए आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, अगर हो सकता है तो चार्ट नहीं, अगर आपके पास अभी पॉसिबल है तो आप क्या करो कि बुक्स का प्रिंटआउट या जेरक्स निकाल के रटना चालू कर दो, ठीक है। लास्ट टाइम पे जितना ज़्यादा हो सके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे नेम रिएक्शन से, तो आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का। ये दोनों करने के बाद जो आप मार्क्स कहाँ पर गेन कर सकते हो ईजिली, वो है बायो मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि सिर्फ आपको NCERT से रट के जाना है। रट के जाओ ये तीन चैप्टर, आई रिपीट, बायो मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, तो काम बनने के चांसेस है। लास्ट जो सजेशन है केमिस्ट्री में कि इन केमिस्ट्री सब ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन जो भी रहेंगे, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जितने भी रहेंगे, एंड मैथ्स सब कॉलम बेस्ड क्वेश्चन जो रहेंगे, वो आप पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको प्रिपेयर होकर जाइए कि अगर पूछे तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए बायोलॉजी की बात कर ले, और बायोलॉजी के लिए क्या करना है आपको, फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट मस्ट प्रिपेयर डायग्राम, चार्ट एंड टेबल्स, ठीक है। वो टेबल्स आपको बनाने हैं, डायग्राम बनाने हैं, चार्ट्स बनाने हैं, कहाँ से बनाने हैं, सिर्फ NCERT के बुक्स को रट के जाना है अभी, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, उतना ही करके जाइए, मोर देन इनफ होगा। हाँ, अगर आपका प्रिपरेशन 2 साल कंटिन्यूस था तो अच्छी बात है, आप जिसके भी स्टडी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है, बट अगर आपने ज़्यादा नहीं हुआ है तो NCERT पे स्टिक रहिए। एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम कीजिए, प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट फॉर मैकेनिक्स ऑफ फिजियोलॉजी फॉर क्विक रिवीजन, एक मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी का जो है क्विक रिवीजन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी में आपको काफ़ी मतलब घुमा के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए आप रेडी रहिए, ठीक है। और लास्ट में सजेशन है कि कवर CP फुल सिलेबस टेस्ट पेपर, जो भी आपको एक टेस्ट पेपर किसी का भी रेफर कर लो आपको, और विच इज प्रिसाइजली डिजाइंड हो और उससे आपको एक आइडिया आ जाए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बात करूँगा हाई वेटेज टॉपिक्स के बारे में। सो हाई वेटेज टॉपिक्स जैसे ही रहेंगे, वो हम बोल दें कि हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से रहेंगे, जैसे कि देख लीजिए, हाई वेटेज टॉपिक रहेंगे आपको इकोलॉजी से, आपको बोलूँ 11, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इकोलॉजी से आएंगे 11-13 क्वेश्चंस, ह्यूमन फिजियोलॉजी से आएंगे 14-15 क्वेश्चंस, प्लांट फिजियोलॉजी से आएंगे 9-10 क्वेश्चन, एप्लीकेशन बायोलॉजी से आएंगे 5-6 क्वेश्चन। दिस टॉपिक्स कंट्रीब्यूट 39-44 क्वेश्चन, जो कि ऑलमोस्ट होता है 50% ऑफ योर बायोलॉजी कवर्ड, तो मोर देन इनफ है उतना ही करने के लिए। और एक चीज़ बोलूँ कि बायोलॉजी स्टूडेंट मस्ट प्रिपेयर डायग्राम, चार्ट, टेबल, NCERT बुक्स को तो रेफर करना ही है, ये सब हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। सेम वे चलिए केमिस्ट्री का देख लेते हैं। केमिस्ट्री का आपको लेना है केमिकल बॉन्डिंग फोकस, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3-4 क्वेश्चन आते हैं, फिर 13-16 ग्रुप जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो 4-5 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक में बात करें तो GOC 3-4 क्वेश्चन आएंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री टॉपिक्स कंटिन्यूड करता हूँ, फिजिकल पे चलता हूँ, मोल कॉन्सेप्ट जो कि लोगों को इजी लगता है, फॉर्मूला पुटिंग है, न्यूमेरिकल है, वो 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एटलीस्ट 2 तो जरूर आएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरेटिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है, 2-3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से प्रोबेबली 1 क्वेश्चन लीजिए, चलिए थर्मोकेमिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। सो जैसा कि मैंने बोला फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, ट्राई टू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, सी NCERT एग्जांपल्स एंड एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, गिव मोर एम्फेसाइज ऑन 12th। सेम चीज़ अगर इनऑर्गेनिक के लिए बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के जितने भी है नीट के, AIPMT के, एम्स के, थोड़ा एक रफ आइडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। ऑर्गेनिक में आपको रीड थ्रोली करना पड़ेगा रिएक्शन, नेम रिएक्शन, स्टीरियो केमिस्ट्री, ये सब देखना पड़ेगा, और बायोमोलेक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जैसे मैंने पहले बोला था NCERT के करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर बात करें कि क्वेश्चंस जो है मॉडरेट लेवल के कितने आते हैं, डिफिकल्ट लेवल के कितने आते हैं, सो क्वेश्चंस आर मॉडरेटली डिफिकल्ट ही होते हैं। डिफिकल्ट आपको कहाँ कहाँ से आएंगे, काइनेमेटिक्स से आएंगे डिफिकल्ट, ठीक है, ऑसिलेशन एंड वेव्स के 3 क्वेश्चंस डिफिकल्ट आएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म के, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के, हीट एंड थर्मोडायनेमिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सब चैप्टर पर अगर थोड़ा फोकस कर लो तो इतने क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है।
सो फिजिक्स के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि थियोरेटिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू मॉडर्न फिजिक्स जैसे मैंने बोला काफ़ी इजी रहते हैं, पी वाई ग्राफ वो आपका जैसे बोला, तो ये सब प्लीज़ आप फोकस कर लो और डेफिनेटली एक अच्छा मार्क्स आप ले लो। तो टेक्निकली बात करें तो पास्ट पेपर प्लस सैम्पल पेपर इज इक्वल टू स्मार्ट वर्क, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, सो यही सब है। एक लास्ट एक रिकैपिचुलेट करता हूँ चीज़ों को, समराइज करता हूँ क्या करना है आपको। करना है स्टिक टू योर रिवीजन प्लान, डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन हेक्टिक एंड एग्जॉस्टिक स्केड्यूल। जो भी आप कर रहे हो ऐसा नहीं कि रात के सुबह के दिन भर पढ़ रहे, रात के 4 बजे सुबह के 4 बजे उठ के पढ़ रहे, ऐसा मत करो, जो है वही फॉलो करो, थोड़ा सा अपने आप को पुश करो। ठीक है, पैनिक मत होइए। रिजॉल्व योर क्यूरीज विथ योर मेंटर जितने भी है, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए कि हो जाएगा। ड्यूरिंग द एग्जाम आपको एकदम लाइट होके जाना है, ऐसा टेंशन लेके नहीं जाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट ही रहेगा जो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में आपका मदद करेगा। सो गाइज जस्ट समझ के लीजिए, बायोलॉजी में कुछ आपको जल्दी हरी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आर वेरी सिंपल, देर वुड बी एम्पल ऑफ टाइम टू डू देम, सो डोंट मेक फुलिश मिस्टेक इन अ हरी। ठीक है गाइज, और केमिस्ट्री में डू इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फर्स्ट। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि केमिस्ट्री में आप पहले फिजिकल को मत टच कीजिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को कीजिए। ठीक है, सेकेंड राउंड में आके फिजिकल को कीजिए। और फिजिक्स में इफ़ यू आर वेल वर्स्ड विथ ऑल फार्मूला एंड थ्रू विथ ऑल योर कॉन्सेप्ट, देन फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट वेर यू कैन स्कोर ऑलमोस्ट 50 out of 50। जितने भी है 100% आपको स्कोर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।